नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने सैनी। 21 से 31 मतों में 1051 वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे मनीष कुमार को 935 तो अरोरा को 132 मत मिले। आपको बता दें, जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में आरके सिंह सैनी ने मनीष कुमार मिश्रा को 116 मतों से हरा कर अध्यक्ष चुने गए। 2.5 साल के कार्यकाल के लिए कुल 3 प्रत्याशी मैदान में थे। चुनाव अधिकारी राजेश उपाध्याय के मुताबिक जीत हासिल करने वाले आरके सिंह सैनी को जहां कुल 21-31 मतों में 1051 वोट मिले, वहीं मनीष कुमार मिश्रा को 935 मत मिले। तीसरे स्थान पर रहे हरजीत अरोरा को महज 132 मतों से संतोष करना पड़ा। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव अधिकारी राजेश उपाध्याय के मुताबिक उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों की मतगणना भी शुरू की जा रही है। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष सहित कुल 81 प्रत्याशी मैदान में थे। अध्यक्ष पद के लिए मतगणना गुरुवार 18 नवम्बर को हुई। मतगणना के पहले राउंड से ही सैनी ने मनीष कुमार मिश्रा पर बढ़त बना ली थी। दिवंद तक जारी रहा, हालांकि उनके बीच का अंतर महज 116 मतों का रहा। सबसे निराश करने वाला परिणाम तीसरे प्रत्याशी हरजीत अरोरा के लिए था। पूर्व में अध्यक्ष पद संभाल चुके अरोरा को इस बार महज 132 मत मिले। जीत से उत्साहित आरके सिंह सैनी ने बताया कि मैं लंबे समय से अधिवक्ताओं के सुख दुख में शामिल होता रहा हूं। उसी का ये नतीजा है। अधिवक्ताओं को पिछले 2.5 साल में शोषण हुआ। विभिन्न अधिकारियों के कार्यालयों में अधिवक्ताओं का प्रवेश बंद किया गया है। वहां दलाली जैसी गंदगी फैली हुई है, उसे हटाने का काम करेंगे। वहीं अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि वे अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी ठीक कराएंगे। इसके अलावा हर महीने हेल्थ कैंप लगवाएंगे। आर्थिक रूप से परेशान अधिवक्ताओं की मदद की व्यवस्था बनवाएंगे। आर्थिक कारण से इलाज न करा पाने वाले अधिवक्ताओं के लिए भी फंड की व्यवस्था करेंगे। आरके सिंह सैनी वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष हैं। इससे पूर्व भी वह जिला अधिवक्ता संघ की कमान संभाल चुके हैं। उनका जुड़ाव कांग्रेस से माना जाता है। उनके भाई सम्मति सैनी पनागर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर 2018 का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सैनी को कड़ी टक्कर देने वाले मनीष कुमार मिश्रा पहली बार मैदान में थे। इससे पूर्व वे पिछले कार्यकाल में संघ के सचिव पद रह चुके हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।